हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो हम लोग यहाँ से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, गेट का सिलेबस हो या फिर यूजीसी नेट का सिलेबस हो, कुछ एंट्री पॉइंट्स है जहाँ से आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप गेट के लिए या यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, या तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली फेयर साउंड तो आपको सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा अगर डिजिटल लॉजिक ज़्यादा ईजी लगता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश है तो बेटर ये है कि आप उन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें जो कि आपका बेसिक्स बिल्ड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, जो कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स हैं, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड योर जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे एक आसान जो तरीका है स्टार्ट करने का, एक्चुअली मैं इसको आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि एक लॉजिकल जो तरीका है स्टार्ट करने का वो है कि पहले अपने बेसिक्स को बिल्ड कीजिए। ठीक है, जैसे 11 12th क्लास की मैथमेटिक्स होती है हमारे पास, उसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, अब जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसी तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारे पास कैलकुलस में हमारे पास इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, काफ़ी सारे अलग अलग तरह की जो टॉपिक्स हैं ये वाले। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं, ज़्यादा टॉपिक्स ये, इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आपकी जो 10th और 11th क्लास और 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, अगर आपकी वो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप गेट एग्जामिनेशन के या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के या फिर ज़्यादातर जो आपके टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप सबके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथमेटिक्स 11th और 12th क्लास में थोड़ी वीक थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनली अगर मेरा केस लीजिए तो 10th क्लास तक आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, तो मैंने मैथमेटिक्स के अंदर आई स्कोर्ड वेरी वेल, 10th क्लास तक आई स्कोर 90% प्लस इन मैथमेटिक्स। लेकिन 11th और 12th क्लास में मैंने मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से 11th और 12th क्लास की जो मेरी मैथमेटिक्स थी वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक रही। और वही जो एक मैथमेटिक्स है, जब मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया या फिर मैंने गेट एग्जामिनेशन दिया, स्टार्टिंग में उसी एक मैथमेटिक्स की वजह से आई कुड नॉट स्कोर गुड रैंक इन गेट। तो कुछ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको अच्छा रैंक स्कोर करना है तो उसका सबसे बड़ा जो बिल्डिंग ब्लॉक है मैथमेटिक्स ही है, चाहे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो या फिर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो। अगर आप किसी भी एक तरह की मैथमेटिक्स में वीक है तो गारंटीड ये है कि आप अच्छा रैंक स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिर आप अच्छे मार्क्स से जेआरएफ या यूजीसी नेट या फिर गेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर यू आर गोइंग टू यूज़ मैथमेटिक्स सो मच, हर जगह पर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने ही करने वाले हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू, अगर आपने सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ दिया, अगर आपने मैथमेटिक्स को वीक है तो आप गारंटी मैं करके कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज योर 30 to 40% ऑफ योर एंटायर एग्जामिनेशन इज़ बेस्ड ऑन योर मैथमेटिक्स। 30 से 40% जो एग्जामिनेशन है वो आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक्स हैं वो आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की शायद ज़रूरत ना हो, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सभी कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि 11th 12th क्लास में उनकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक रही हो, या फिर काफ़ी साल हो गए वो मैथमेटिक्स पढ़े हुए। अगर जैसे आई डिड माई 11th and 12th क्लास इन 2006 and 2007, तो मुझे लगभग 10 साल के आसपास हो गए वो मैथमेटिक्स पढ़े हुए। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पुराने कॉन्सेप्ट है बिल्कुल रिफ्रेश है उनके माइंड में, और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके लिए वो पुराने कॉन्सेप्ट रिफ्रेश नहीं हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गेट के या फिर यूजीसी नेट के या फिर इसरो डीआरडीओ किसी भी एग्जामिनेशन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो बेसिक्स के रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से जो रिक्वायरमेंट है, अब उन रिक्वायरमेंट्स को लेके चलूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा मैं इन डेप्थ और जितना ज़्यादा बेसिक्स से लेके चलूँ, जितना ज़्यादा आपके बेसिक्स को मैं बिल्ड कर सकूँ उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि एक ऐसे लेवल से लेके चलूँ कि जहाँ से आपको अगर कुछ नहीं भी समझ आता हो तो आप वहाँ से हर चीज़ को समझ सकें। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स की नॉलेज है, 11th और 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स की नॉलेज भी नहीं है। जैसे कि 10th क्लास में हम ये सिखाया जाता है कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे लेते हैं। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 10th क्लास की मैथमेटिक्स की नॉलेज है, फिर हम लोग अब बेसिक्स बिल्ड करेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स, 12th क्लास की मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों के टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैथमेटिक्स जो है उसको अमित सर ने पढ़ाया था, और अमित सर के अलावा उत्कर्ष सर ने भी मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाए थे। वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, और कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और उसके अलावा अभी देखिए ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को अलग अलग टीचर से समझ आता है, सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग मेथडोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, किसी और का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। कुछ का ऐसा है कि उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता और किसी और का समझ में आता है। तो जितने ज़्यादा टीचर्स हैं, हर एक टीचर के साथ हमने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है, हर चीज़ आपके लिए प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आपको जिस भी टीचर से समझ में आता है आप वो मैथमेटिक्स को फॉलो कीजिए। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं अपने कॉन्सेप्ट को तरीके से लेकर चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। उत्कर्ष सर ने अपने तरीके से पढ़ाया है, उस तरह से अमित सर ने अपने तरीके से पढ़ाया है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। मैं ये इमेजिन करूँगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता अपार्ट ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स, तो मैं हर बेसिक्स को धीरे धीरे लॉजिकली बिल्ड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप ये कह सकते हो कि पूरी आपकी प्रिपरेशन का कह सकते हो 60 to 70% ऑफ प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आया हुआ है और कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने से आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको डिजिटल लॉजिक के अंदर आपको पता है कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, आपको पता है कि एडर्स क्या होते हैं, लैचेस क्या होते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो ये सिर्फ चीज़ें पता होने की ये गारंटी नहीं करता कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल डिसिप्लिन के अंदर प्रॉपर इनडेप्थ नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक को एक स्टार्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूँ। हम कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के लिए आप 11th-12th क्लास की मैथमेटिक्स NCERT या फिर RD शर्मा सर्च आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुक ना बाय कीजिए वो भी ज़रूर नहीं है, बस आप इतना कर सकते हैं कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे NCERT ऑफ 11th and 12th क्लास, अब जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास और 12th क्लास की NCERT की जो बुक्स की PDF कॉपी है वो CBSE ने ऑनलाइन अपलोड की हुई है और वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ फैक्टोरियल की नॉलेज है, तो हम स्टार्टिंग में कुछ प्रीलिमिनरी फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को लेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन आपको समझाऊंगा परम्यूटेशंस क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशंस क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में डिफरेंसेस क्या है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम परम्यूटेशंस को अप्लाई करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होना और इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जामिनेशंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ साथ वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि टोटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। मैं इनिशियली लूँगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ताकि थोड़ा सा बेसिक्स बिल्ड हो, ताकि थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो, और साथ साथ हम उसके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से लूँगा, गारंटीड आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो 11th-12th क्लास की मैथमेटिक्स मैं आपको कराऊंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं आपको कराऊंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैं आपको कराऊंगा, और हर चीज़ को हम बिल्कुल इन डेप्थ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।